नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं पिक्सल 7 कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर हमने जो है रेडमी डिवाइस के ऊपर जो पिक्सल 7 का जो कैमरा एप्लीकेशन है इंस्टॉल किया है, बेसिकली गूगल कैमरा का हमने इंस्टॉल किया है। इस जीकैम के साथ आप जो है पिक्सल 7 जैसा फोटो को क्लिक कर पाओगे किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जीकैम का जो बिल्ड है, इस जीकैम के साथ जो इस तरह से इस भी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी क्लीन यूआई देने को मिलेगा, सिंपल यूआई देने को मिलता है। पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन पर एलडीआर मोड को ऐड किया गया है, ग्रिड लाइन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर पिक्सल 7 का जो यूजर इंटरफेस है पर एनेबल किया गया है, एंड एचडीआर इनहांस मोड का जो ऑप्शन है एनेबल है, प्लस नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन है एनेबल है। एंड यहाँ पर इस जीकैम के साथ आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। ना पर बात कर लेते किस तरह से ये जो गूगल कैमरा के साथ जो एक्सएल फाइल्स किस तरह से यहाँ पर जो इम्पोर्ट करना होगा। सबसे पहले ये जो जीकैम है प्लस जो एक्सएल फाइल है, दोनों का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको इस जीकैम को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जो मोड सीरीज में जाना होगा। मोड सीरीज में जाने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके ये जो ऑप्शन है एडिशनल, ये पर एडिशनल सीरीज का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जाके स्क्रॉल डाउन करके इस ऑप्शन में जाके यहाँ पर सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इस पर टैप करने के बाद जो येस में टैप करना होगा। उसको तो सिंपली यहाँ पर जो फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद जिस भी फोल्डर में अपने एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके स्क्रॉल डाउन करके इस जीकैम करके एक फोल्डर रहेगा, इस फोल्डर में जाके एक्सएमएल करके जो फोल्डर रहेगा इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सएमएल फाइल है इसे कॉपी करके इस जीकैम करके जो फोल्डर रहेगा उस फोल्डर में अंदर एक्सएमएल करके जो फोल्डर रहेगा इस फोल्डर में जाके सिंपली इस एक्सएमएल फाइल को पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद फिर से आपको गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा, फिर से आपको जीकैम को ओपन करना होगा। ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है इसे रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर 4:3 सेलेक्ट करना होगा। 4:3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद जो कुछ इस तरह से पर जो यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो एक्सएमएल फाइल है इसे सिलेक्ट करने के बाद जो इंपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना होगा। इसमें टैप करते के साथ साथ जो है ये जो एक्सएमएल फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप जो है एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस एक्सएमएल फाइल के साथ आपको 8x तक बाय डिफॉल्ट जूम का जो ऑप्शन देने को मिलेगा, एंड कुछ इस तरह से ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर बात कर लेते फीचर्स के बारे में, इस एक्सएमएल फाइल के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो किस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस एक्सएमएल फाइल के साथ, इस जीकैम के साथ। सबसे पहले जो मेन लेंस के साथ जो आपको यहाँ पर कूल टोन के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पर माइक्रो लेंस के साथ भी आपको यहाँ पर जो कूल टोन के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। प्लस अगर बात करें जो वीडियो स्टेबलेशन के बारे में, देख सकते हो कुछ इस तरह से वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर EIS प्लस OS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा अगर आपके डिवाइस पर EIS OS का सपोर्ट है तो। प्लस यहाँ पर इस तरह से वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं इसमें ऐड किया गया है। एंड स्लो मोशन की अगर बात करें जो स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम करता है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर इस गूगल कैमरा के साथ स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो सैचुरेट फोटो देने को मिलेगा, आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो देने को मिल जाएगा इस गूगल कैमरा के साथ। एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, माइक्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आप जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, प्लस पर जो अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस के साथ वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। जरूर से इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखाओ। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो फोटो क्वालिटी के बारे में, हमने यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है कुछ फोटो को क्लिक करने वाले हैं आपके सामने यहाँ पर जो लाइव, तो जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है पोको F1 डिवाइस, इसके साथ जो जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर फोटो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जो HDR एनहांस मोड के साथ जो फोटो क्लिक करता है इसलिए, या बच्चे मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक होता है इसलिए फोटो क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड देखते किस तरह से बच्चे फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। या सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, या HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर हमारे पास है MI2 डिवाइस, एंड यहाँ पर जो फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से एनेबल है, देख सकते हो कुछ इस तरह से फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से एनेबल है इस जीकैम के साथ।
एंड ये पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम करते हैं, देखते किस तरह से ये पर जो माइक्रो लेंस के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड देखते तो यहाँ पर जो माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा काफ़ी बढ़िया बात है। पर एलडीआर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड यहाँ पर जो अल्ट्रॉइड लेंस इसे भी ट्राई करते देखते हैं, अल्ट्रॉइड लेंस के साथ भी कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते देखते किस तरह से पर जो अल्ट्रॉइड लेंस के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो हमने जो यहाँ पर कुछ फोटो को क्लिक किया है इस जी कैम के साथ, देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। फोटो के ऊपर जो सैचुरेशन है काफी बढ़िया है, आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। प्लस फोटो के ऊपर जो रीडिंग है काफी बढ़िया है, आपको यहाँ पर जो एक्सीलेंट फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो बेटर रीडिंग विद बेटर कलर देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी बढ़िया, आपको यहाँ पर जो बैलेंस कॉन्ट्रास्ट देने को मिल जाएगा। प्लस जो डायनेमिक रेंज है वो काफी बढ़िया है एंड यहाँ पर जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया, आपको एचडीआर मोड एचडीआर एनहांस मोड के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड एक चीज हम नोटिस किया है पर फोटो के ऊपर जो नॉइस है आपको काफी कम नॉइस देने को मिलता है। प्लस अल्ट्रॉइड लेंस के साथ भी आपको थोड़ा सा जो है पर सैचुरेट फोटो देने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो कूल टोन के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है मल्टीपल लेंस के साथ, यहाँ पर मेन लेंस टेलीफोटो लेंस माइक्रो लेंस के साथ जो है, प्लस वाइड एंगल लेंस के साथ आपको कूल टोन देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो लेंस के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है एंड यहाँ पर जो मेनली वाइड एंगल लेंस मेन लेंस एंड यहाँ पर माइक्रो लेंस के साथ जो कूल टोन देने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर टेलीफोटो लेंस अवेलेबल नहीं है। देख सकते हो पर फोटो के ऊपर आपको ज्यादा नॉइज देने को नहीं मिलेगा, जो डीलिंग है काफी बढ़िया है। आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको काफी बढ़िया डिजिटल सेल्फी देने को मिलेगा एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया जो है यहाँ पर जो एज एनहांसमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस इस जीकैम को एज ए डेली ड्राइवर भी आप यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पर जो फोटो के ऊपर कम नॉइज देने को मिलता है, बेटर कलर देने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया रेडी फोटो देने को मिलता है इस गूगल कैमरा के साथ। आप जरूर से इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर एंड इस तरह से इस सभी जो फीचर्स है ऐड किया गया है। यहाँ पर टॉप शॉट का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट डिजेबल है इस एक्सएमएल फाइल के साथ। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें पर जो पोर्ट्रेट मोड के साथ एचडीआर एनहांस मोड का ऑप्शन है, पर जो पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया ड्रिलिंग के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। प्लस पर जो फ्रंट कैमरा के साथ सेल्फी के साथ भी आपको बेटर ड्रिलिंग के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। नाइट साइड मोड के साथ जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, या पर इस तरह से इसे भी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस पर पैनोरामा फोटो एक्सपर मोड का ऑप्शन है, अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो ये जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है ना। वो पर जो सेटिंग्स मोड है, सेटिंग्स मोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है सेटिंग्स मोड के साथ। इस तरह से इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है, जैसे कि जो कस्टमाइजेशन के ऊपर जो है यहाँ पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फोकस लॉक टाइम का ऑप्शन है, जीबीजी क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, डिजेबल हेक्सागन डीएसपी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बेसिकली एचडीआर प्रोसेसिंग के साथ जो पर इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होते हैं उसे डिजेबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो मैक्सिमम जूम को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस एक्सएल फाइल के साथ इस गूगल कैमरा के साथ जो है 8x तक जूम का ऑप्शन देने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो मैक्सिमम जूम को इंक्रीज कर सकते हो, पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एचडीआर ग्राफिक्स का ऑप्शन है, सैमसंग फीचर को ऐड किया गया है, पर लाइव एचडीआर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एक्सिनोस फिक्स का ऑप्शन है, तो ये जो गूगल कैमरा को बिल्ड है तो स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ, मीडियाटेक डिवाइस के साथ, प्लस एक्सिनोस डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा, सैमसंग डिवाइस के साथ भी ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर ओएस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस डीसीए P3 कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन है, एस्ट्रो नाइट मोड का जो ऑप्शन से काम करता है, व्यू फाइंडर बटन्स को ऐड किया गया है, पर मैनुअल फोकस स्लाइडर का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बेलेंस बटन को ऐड किया गया है, एलडीआर बटन का ऑप्शन है, लिप पैचर का ऑप्शन है, यहाँ पर अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अपर्चर बटन का ऑप्शन है, सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, व्यू फाइंडर के ऊपर अलग अलग बटन्स को एनेबल करने का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, लिप पैचर का ऑप्शन है। बेसिकली लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, पर मल्टीपल लेंस के साथ टेलीफोटो वाइड एंगल लेंस माइक्रो लेंस के साथ जो है पर फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर पाओगे, मैनुअल कंट्रोल देने को मिल जाएगा, लूमा क्रोमा कॉन्ट्रास्ट आईओएस सबको आप सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली, ऑटो वाइड बैलेंस नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है। ये जो कैमरा का जो बिल्ड है टेलीफोटो लेंस वाइड एंगल लेंस माइक्रो लेंस जूम लेंस के साथ काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। प्लस एचडीआर मोड को फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एचडीआर फ्रेम का ऑप्शन है, फ्रंट कैमरा टेलीफोटो लेंस वाइड एंगल लेंस, या पोर्ट्रेट मोड नाइट मोड के साथ भी
एचडीआर मोड को फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। सेव सेल्फी साइज प्रीव्यू का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, ये जो जीकैम है इस जीकैम के साथ जो फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, एचडीआर कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से काम करता है, कैमरा टेप इस इसको ऐड किया गया है, डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है यहाँ पर, इस तरह से सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। रॉ सेटिंग्स का ऑप्शन है, मोशन फोटोज का ऑप्शन है, अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल प्लस 200 मेगापिक्सल के साथ भी एजो जिकम का बिल्ड काम कर जाएगा। यहाँ पर गोल्स का सजेशन ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, गेस्ट्स का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से सभी ऑप्शन है एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ एजो जिकम का बिल्ड काम कर जाएगा। आप जरूर से इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वो आप जगह जिकम का जो अलग अलग जो वर्सन है उस पर आप ट्राई करके देखो। चलो बाय बाय।